जय हिंद गाइस, आज हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली गाइस, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी मेहनत करके बनाऊँ। अगर आप इसे अच्छे से समझ पाते हैं तो आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम 100% दूर होने वाली है, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? एक प्रकार की अनुशासन और कड़ी मेहनत और एक प्लान की आवश्यकता होती है। जैसे कल्पना करें कि एक ऐसा जीवन जहाँ आपके पास आपके फाइनेंशियल को पूरा नियंत्रण करता हो और आपके सपनों को जुनून को पूरा करने में सक्षम होता हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, इस कॉन्सेप्ट को हम एक स्टोरी की हेल्प की मदद से समझेंगे। तीन दोस्त होते हैं, राजू, फरहान, रेंचो। ये तीनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तीनों इंडिया के अलग अलग शहर से आते हैं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ये कॉलेज में आकर दोस्त बन जाते हैं। रेंचो अपनी कॉलेज में लेक्चर सुनने के बाद बहुत ही कम टाइम अपने दोस्तों के साथ रहता था। बाद में वह पार्ट टाइम जॉब जैसे कि इंटर्नशिप फ्रीलांस का जॉब करता था। बाकी दोनों दोस्त जो कि फ्री, राजू और फरहान, अपनी स्टूडेंट लाइफ में का मजा लेते थे। तो एक दिन राजू रेंचो से कहता है कि क्या तू कॉलेज के बाद भी ऐसा ही तू ओवर टाइम करता रहेगा जो कि यह जॉब जो कर रहा है, और इसके बाद तू कितना चिल्लर इकट्ठा पैसा कर लेगा। और इसी तरह उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उनको कॉलेज से ही नौकरी मिल जाती है। तो सबसे पहले फरहान को जो कि 14,000 प्रति मंथ की सैलरी मिलती है, जो साल का होता है 4.8 लाख रुपए। फिर आता है राजू की बारी, जो पढ़ाई में सबसे तेज था, इसलिए उसको यहाँ पर 1 लाख प्रति मंथ की सैलरी मिलती है और वह यहाँ पर काफ़ी खुश होता है। और दूसरी ओर रेंचो, जो पढ़ाई में सबसे कमज़ोर था, वह बहुत कोशिश करता था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। इसीलिए उसका कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद भी कोई जॉब यहाँ पर नहीं मिली। उसके बाद वह अपने घर आकर खुद का जॉब ढूंढना पड़ा और उसके बाद वह 25,000 प्रति मंथ सैलरी मिली। इसके बाद बहुत काम करना होता था और इस जॉब में वह काफ़ी व्यस्त रहता था गाइस। और गाइस, फिर जॉब मिलने के बाद तीनों दोस्त काफ़ी अपने वर्क में बिजी रहने लगे और फिर इनकी मुलाकात होती है जो कि 15 साल बाद। और जब यह मिलते हैं, राजू काफ़ी मोटा हो चुका होता है और उसके सर के बाल उड़ चुके होते हैं और वह अनहेल्दी नज़र आ रहा था। तब फरहान उससे पूछता है कि यार, तू अपनी हेल्थ का ख्याल क्यों नहीं रखता है? तब राजू कहता है, क्या बताऊँ यार, जॉब के बाद कुछ समय ही नहीं मिलता है। जॉब में मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट करने का मेरे पास समय ही नहीं मिलता है कि एक्स्ट्रा वर्कआउट में कुछ कर पाऊँ, अपने हेल्थ का ध्यान रख पाऊँ। दोस्तों, अब इन्फ्लेशन और सैलरी एग्रीमेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट लेसन और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर आगे मैं इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो फिर फरहान बोलता है कि मैं तो अभी जॉब से रिजाइन करने वाला हूँ और अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। तब राजू कहता है कि तू जॉब छोड़कर बिजनेस कैसे कर सकता है? बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, और जितने टाइम तू बिजनेस करेगा तब तेरे घर का खर्चा कौन संभालेगा? क्या तेरी वाइफ भी जॉब करती है? तो फरहान बोलता, नहीं यार, हाउस वाइफ है और वह उसी में खुश है। तो फिर राजू बोलता है कि फिर तेरे घर के खर्चे संभालेगा कौन? तो फरहान एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजू हैरान रह जाता है, और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि राजू के लिए इनकम का एक ही मतलब था, वह था जॉब। अगर आप जॉब नहीं करोगे तो इनकम कहाँ से आएगी? तो वह फरहान से पूछता है कि आखिर तूने यह कैसे किया? तब फरहान बोलता है कि तुझे थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि मैंने यह कैसे किया। अब फरहान को लगा कि वह उसने बहुत ही स्मार्ट काम कर लिया है। वह अपने फ्रेंडों में सबसे पहला इंसान है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। तब वह रेंचो से पूछता है कि यार, तू बता क्या कर रहा है आजकल? कब तक छोटे मोटे जॉब करता रहेगा? आज मेरे बिजनेस में आके कोई जॉब कर ले। तब रेंचो कहता है कि मुझे भी अब कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही फाइनेंशियल फ्रीडम हो रखा हूँ। और यह सुनकर फरहान भी हैरान रह जाता है, इतने कम सैलरी में तूने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे कर सकता है? तूने ऐसा क्या कर लिया? तब रेंचो कहता है कि जब मैंने अपने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब करता था, उस टाइम मेरे पास कोई खर्चे नहीं होते थे और मेरे घर का खर्चा डैड संभालते थे। तो मैं पूरा अपना अर्निंग सेव करके इन्वेस्टमेंट करता था और मैंने कॉलेज खत्म होने से 1-2 साल बाद अंदर ही अच्छी खासी सेविंग जमा कर लिया था। बाद में जब मेरी शादी हुई तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और कुछ भी सेव नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोस्ट फायर स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने कॉलेज टाइम पर ही फाइनेंशियल फ्रीडम एडवांस बुकिंग कर ली थी। और यह सुनकर राजू और फरहान दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फरहान को तो सिर्फ फायर का नाम ही सुना था, लेकिन यहाँ पर कोस्ट फायर क्या होता है? और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यह कोस्ट फायर यह क्या होता है, तो इसको थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन हम पहले इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेंचो कहता है कि जब कॉलेज टाइम पर जॉब करता था तब मैंने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा टाइम अपने पैसों को ग्रो करने के लिए है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ।
तब राजू कहता है कि इतनी कम रेंज में तुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली कहाँ से और इसे शुरू करने की हिम्मत आई कहाँ से। तब रेंजो कहता है कि मैं खुद कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास सही आइडिया और नॉलेज नहीं था। जो बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल थे मैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था और उनका बिजनेस पार्टनर बन गया था। और जब मैं इंटर्नशिप फिनलैंड जैसा जॉब से पैसा कमाता था उनको मैं लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा था और मेरा पोर्टफोलियो कॉलेज खत्म होने तक एक साल बाद जो कि अमाउंट 10 लाख के आसपास हो गया था। फिर रेंचो बताता है कि मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया जो कि लगभग 18% CAGR के रेट से ग्रो हुआ है और जब 10 लाख 15 साल में ग्रो होता है तो यह लगभग 1.2 करोड़ हो जाता है। अब मेरे घर का मंथली खर्च 25,000 के आसपास है और फायर के नियम के अनुसार 4% विड्रॉल रेट के हिसाब से अगर आपने 1.2 करोड़ पोर्टफोलियो से हर साल 4% निकालते हैं तो यहां पर 4.8 लाख हो जाता है। मतलब मुझे हर महीने जो कि 14,000 की मंथली इनकम मिल सकती है अपनी इस SWP से बिना कोई काम किए हुए। अब दोस्तों कुछ लोगों को आप में से फायर नहीं पता होगा तो हम आपको समझाते हैं कि फायर और पोस्ट फायर क्या होता है। तो फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट अर्ली। इस स्ट्रेटजी का मेन गोल होता है कि आपको पैसे की टेंशन खत्म हो जाए और आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंजॉय कर सको। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने घर का सालाना खर्च का पता लगाना होगा कि साल भर में आप कितना खर्च करते हैं और आपको फिर इस 25 इंटू सेव करके इन्वेस्टमेंट करना होगा ऐसी जगह जहां पर आपको 4% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सके। एग्जांपल के तौर पर रेंचो का खर्च मंथली 25,000 था और उसका सालाना खर्च जो कि 3 लाख के आसपास, तो उसको यहां पर हुआ 3 लाख × 25 = 75 लाख होता जो कि रेंचो का फायर का टारगेट तो 75 लाख का था रेंच, लेकिन रेंचो ने यहाँ पर 1.2 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। इसकी वजह से वह यहाँ पर 25,000 के बदले 14,000 मंथली इनकम निकाल सकता था क्योंकि 1.2 करोड़ का 4% होता है 14,000 होता है। और कोस्ट फायर बेसिकली यही होता है कि आपको अपने करियर की शुरुआत में ज़्यादा फोकस इन्वेस्टिंग की ओर करना चाहिए ताकि आपको पूरी लाइफ सेविंग इन्वेस्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। बस स्टार्टिंग में कुछ सालों के लिए सही स्टेप लेने होते हैं और फिर आप अपनी मर्जी से अपनी पूरी लाइफ कम टाइम काम कर सकते हैं और आप ऐसा जॉब कर सकते हैं जो आपको पसंद हो बिना पैसे की टेंशन के बिना, यानी आप पैसे आपके लिए काम करता रहेगा और लाइफ टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं और रिटायरमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। अगर स्टोरी को ध्यान दें तो रेंचो ने अपने पूरे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था अपनी लाइफ की शुरुआत में बस 4 से 5 साल और उसके बाद उसने पूरी लाइफ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। फिर भी वह अपनी लाइफ बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के इंजॉय कर रहा था। तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो उसने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम शुरुआत के 5 साल में ही अचीव कर लिया था। अब हम बात करते हैं फरहान ने क्या किया। तो फरहान ने यह किया कि उसने 14,000 मंथ सैलरी मिल रही थी तो उसने जो कि 25,000 घर के खर्च के लिए बचा लेता था और उसमें से जो कि 15,000 की SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा था जहां से उसको 12% CAGR के रिटर्न मिल रहा था। तो इस SIP का कैलकुलेटर में देखें तो यहां पर 15,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट था जो 12% के रेट से जो 15 साल में लगभग 75 लाख होता है, तो उसने भी 15 साल में अपना फायर का टारगेट कंप्लीट कर लिया था और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो अचीव कर लिया था। अब रही बात राजू की, तो वह सबसे अच्छी सैलरी पाता था इसके बावजूद वह कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। थोड़े बहुत पैसे FD और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, बाकी अपनी पूरी सैलरी इंजॉय करता रहा। शुरुआत में तो वह उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वह अपने लोन के एक बड़ा सा घर लिया था और अच्छी कार भी लिया था। इसकी MI इतनी ज़्यादा थी कि वह कुछ सेव नहीं कर पा रहा था। वह अपनी जो कि 40 साल की उम्र पहुंच गया था और इसी कारण वह बहुत परेशान रहता था। उसकी फ्यूचर का क्या होगा इसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था। एक तो वह जॉब का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता था और उसके अलावा यहाँ पर जो अपना स्टैंडर्ड लिविंग इतना बढ़ा दिया था जिससे वह कुछ भी सेव नहीं कर पाता था। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजू का फाइनेंशियल फ्रीडम और टारगेट और भी बड़ा होगा क्योंकि उसके ज़्यादा खर्च करने की आदत डाल रखी है और उसके पास बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए कम टाइम बचा है, जिसकी वजह से उसको रियलाइज हो गया कि वो हमेशा के लिए एक रेट रेस ट्रिप में फंस चुका है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसको हमेशा काम करते रहना पड़ सकता है। तो फिर राजू ने अपने दिल के पत्थर रखकर कार और घर को जो है सेल कर दिया, यानी बेच देता ताकि उसका मंथली खर्चे कम हो जाएं और वह अपने रिटायरमेंट के गोल सेव करने में लग जाता है। वह अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर देता है जो कि 15,000 रुपये प्रति मंथ का 15 साल के लिए जो कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है। बाकी वह 15,000 से अपने घर का खर्च चलाता है ताकि अगले 15 साल तक वह रिटायरमेंट ले सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर वह फिर भी
वेल्थ क्रिएशन में मामले में अपने वह दोनों दोस्तों से काफी पीछे रहेगा। फिर जबकि उन दोनों दोस्तों ने न्यू इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं किया बल्कि उससे वह निकाल रहे हैं अमाउंट अपने खर्च के लिए। क्यों गैस अगले 15 साल में फरहान का 75 लाख का पोर्टफोलियो 3.5 करोड़ के ऊपर निकल चुका होगा। वही राजू की जो 15,000 की जो SIP थी उसका पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ तक ही पहुंचा होगा। लेकिन यहां पर स्टोरी का सबसे मेन लेसन यह है कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट करता है वह है राजू, क्योंकि वह अपने रिटायरमेंट के लिए बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है। 15,000 प्रति मंथ की SIP करता है जो कि 50 साल के लिए 90 लाख रुपए होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वह काफी लेट शुरू किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस हिसाब से पैसे की वैल्यू होती है उसी हिसाब से इन्वेस्टिंग में टाइम की काफी वैल्यू होती है। फरहान ने जो कॉलेज पूरा करने के बाद ही जो कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15,000 के रुपए से करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब वह अपनी पूरी लाइफ में 27 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसे अपने करियर की शुरुआत में ही कर दिया था और यह इसलिए वह अपनी 30 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया और उसके अपनी वेल्थ बढ़ाते रहा। और लेकिन रेंचो ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया था मात्र जो कि 10 लाख रुपए, और गाइस इसकी सैलरी भी सबसे कम थी, लेकिन फिर भी वह अपना फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पीसफुल अचीव करता है और अपनी पूरी लाइफ पैसों के टेंशन के बिना एंजॉय करता है, क्योंकि उसको अपना करियर बिल्ड करने के लिए कोई जॉब की जरूरत नहीं पड़ी और वह कभी भी जॉब छोड़ सकता था और कभी भी गैप ले सकता था, क्योंकि पहले ही वह कॉस्ट फायर के थ्रू अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कंप्लीट कर लिया था। और जब रेंचो की शादी हुई तो उसका पहला बच्चा हुआ। उसने अगले 2 से 3 सालों के लिए अपने बच्चों के लिए कोई भी फैंसी खिलौने को नहीं खरीदा। उसने बस एक बार 50,000 का इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में कर देता है गाइस, और उसको 40 साल के लिए भूल जाने के लिए कहता है। जब उसका बेटा 40 साल का होता है तब वह निकालने के लिए कहता है। तो वह छोटा सा अमाउंट 50,000 का जो कि वह 40 साल के बाद गाइस काफ़ी बड़ा अमाउंट बजाता है यहाँ पर, जो कि 50% रिटर्न के हिसाब से 1,33,43,170 रुपये यहाँ पर ग्रो हो चुका होगा। और अगर ये वह कुछ साल और इंतजार कर ले तो गाइस यहाँ पर जो 5 करोड़ के आसपास इसका अमाउंट हो जाएगा था। रेंचो का बेटा अपनी पूरी लाइफ कुछ भी सेव ना करे फिर भी वह अपना फ्रीडम लाइफ यहाँ पर अचीव कर चुका होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप गौर करें तो एक सिंपल सा स्टेप, रेंचो ने अपने बच्चों के लिए एक ऐसा काम करता है जो उनकी पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम दे देता है। एक छोटा सा स्टेप उसके बच्चे की लाइफ इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बिना किसी पैसे की चिंता के बिना वह लाइफ अपना जी सकता है। इसे कहते हैं गाइस पावर ऑफ फाइनेंस नॉलेज। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।